भैया ना भैया, ये दारू लेके गया अभी, ये 300 की दिया आपने है, इसमें 215 प्रिंट रेट है, है? हाँ नहीं, प्रिंट रेट से ऊपर दारू बेचेंगे क्या कंपनी से? इसमें प्रिंट रेट देखिए, इसमें प्रिंट रेट कितना है? हाँ मुझे देखा हुआ है, ये पुराने रेट के पड़े हुए हैं, अभी जो रेट बढ़े हुए हैं तो हमारा उस रेट पे बिक रहा है। नहीं आप मतलब रेट से आप ज़्यादा रेट में बेच रहे हो, आप प्रिंट रेट से ज़्यादा रेट दारू बेच रहे हो सर, आपने रिस्क नहीं लगाई है? पुराने रेट है, नहीं पुराने रेट, ये दारू की बाटल में जो रेट पड़ा है इससे ज़्यादा रेट में आप बेच रहे हो कि नहीं बेच रहे हो? नहीं आप बाटल से ज़्यादा रेट में बेच रहे हो कि नहीं, जो लिखा है ठीक है? मैनेजर कौन है? कौन है? नहीं तो प्रिंट रेट से ज्यादा रेट में बेचने की परमिशन किसने दी आपको? किसने परमिशन दी आपको ज्यादा रेट में बेचने की, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। आप शासन की बात बताइए, मेरे को अपनी बात नहीं बताइए, शासन के जो नियम है आप बताइएगा। हाँ आप ये बताओ कि जो प्रिंट रेट से ज़्यादा रेट में दारू क्यों बेच रहे हो आप, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, किसकी परमिशन से बेच रहे हो? मतलब ठेकेदार का रेट अलग होगा, प्रिंट रेट अलग होगा, शासन रेट अलग होगा, मतलब शासन ने आपको अपने रेट में दारू बेचने के लिए अनुमति दी है? हमें जितना बड़ा नॉलेज होता तो स्वयं ठेका में ले लेते। नहीं तो और ये ठेका कौन लिया है? रोजगुड़ सप्लायर है, बोर्ड लगा होगा। कौन ठेका लिया है? आप बैठे हो, आपको नहीं मालूम क्या? रोजगुड़ सप्लायर है, कंपनी का नाम है रोजगुड़ सप्लायर। अच्छा मैनेजर कौन है यहाँ पे? यहाँ राम कुमार सिंह।